तो हम लोग मैग्नेटिज्म कंटिन्यू करते हैं अपना। मैग्नेटिज्म में अभी ये देखना है हमें कि करंट कैरिंग वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स लगता है। करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्या फोर्स लगता है ये हम देखेंगे। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, मतलब डी एफ पहले लेंगे हम लोग क्योंकि लॉन्ग है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आई डी एल इंटू बी। डी एल क्रॉस बी है क्योंकि आई तो अपना स्केलर है, ये हो गया। ओके नाउ अभी क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको इसको क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। सिंपली इंटीग्रेट करने के बाद ये आएगा आपको, फुल लेंथ तक इंटीग्रेट करोगे तो एल लेंथ, तो फुल फोर्स आ जाएगा आपके पास। सिंस इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, खाली इतना याद होना चाहिए कि एल क्रॉस बी है। अगर आपको डायरेक्शन पूछ लिया किसका इसका, तो आपको आना चाहिए कि फोर्स किस तरफ लग रहा है एल क्रॉस बी करके। तो ये कभी थीटा इक्वल टू जीरो पे, थीटा इक्वल टू जीरो पे या 180 पे, साइन साइन क्या हो जाएगा जीरो, तो एफ क्या हो जाएगा जीरो। थीटा इक्वल टू 90 पे, थीटा इक्वल टू 90 पे साइन क्या हो जाता है वन, तो फोर्स हो जाएगा आपका बी आई एल। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर दो, बी इज इक्वल टू एफ बाई आई एल। तो अगर आपको डायमेंशन पूछा जाएगा और आपको याद नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का, तो इधर से डायमेंशन निकालना, क्योंकि डायमेंशन इधर का बहुत ईजी है, इधर से निकालने का। फोर्स का डायमेंशन पता है, आई और एल का डायमेंशन पता है, इसका एम्पियर, इसका लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन दिस। तो ज्यादा याद मत रखो चीजें, ऐसा सोचो कि कैसे कर सकते हैं हम लोग ऑन द स्पॉट वो। तो ये हो गया कुछ इसके बारे में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। उसके बाद हम लोग को देखना है इसके वेरियस फॉर्म्स, हम लोगों ने पढ़ लिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। खाली ये याद रखो कि फोर्स मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू एल एंड बी। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी क्रॉस करते, समझो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ए से बी क्रॉस करेंगे, सी वेक्टर नीचे आएगा, तो ये जो C वेक्टर है A और B के परपेंडिकुलर है। हाँ परपेंडिकुलर है, तो ऐसा ना लेके मैं ऐसा लिख लेता हूँ, F M F मैग्नेटिक, ये F M मतलब F मैग्नेटिक लिख लो चलेगा। F मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड F मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू B। और ये लेंथ भी ना बोल के हम लोग इसको आई डी एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई तो स्केलर है ना, तो स्केलर का मल्टीप्लाई करने से सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और कुछ उसके डायरेक्शन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात, ये जो एल यहाँ पे लिखा हम लोग ने, ये है द इफेक्टिव लेंथ, माने इफेक्टिव लेंथ मतलब स्टार्ट पॉइंट और इनिशियल को ज्वाइन करने के बाद जो आया। स्टार्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जैसे कि समझो आपको इसका पूछा है एफ, तो इसका लेंथ एल है, तो स्टार्ट पॉइंट और इसको ज्वाइन किया तो यही आया, तो यही एल है, समझो कुछ ऐसा रहता। तो स्टार्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करो एल, ये भी है, समझो कुछ ऐसा है। अभी क्या होगा, ए और बी का इफेक्टिव लेंथ क्या है, दिस, समझो ये रेडियस आर का है, तो इसका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 2R। इसका क्या होगा, L इक्वल टू जीरो, तो फोर्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि लूप पे फोर्स नहीं लगेगा, लूप पे फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी क्लोज्ड ऐसा कुछ भी रहने दो, पर अगर वो जुड़ गया तो आपको आ जाएगा F इक्वल टू जीरो, मतलब सिंस L इक्वल टू जीरो, ये रहता है। नेक्स्ट, अभी दो पैरेलल, एक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो देखा अभी। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि दो कंडक्टर्स ऐसे पास पास रखे गए तो क्या होगा उसमें। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक केस ऐसा बनता है कि जिसमें दोनों में सेम करंट डायरेक्शन में करंट है और दोनों में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, आई आई में है, ये भी आई और आई है। ओके, दिस डिस्टेंस इज डी,
ये भी डिस्टेंस टी है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके पैरेलल में है पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी वजह से हम लोग फोर्स पढ़ रहे हैं। इस हेडिंग को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। वेट 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 वेट, बहुत ऊपर चले गए आप। बस तो ये हो गया फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका इधर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या होता है ना, अभी हम लोग ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा। फोर्स क्या होगा, पहली बात तो देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले हमें पता है एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला आप याद रखो, साइन वाला तो आप बना सकते हो खुद ही, क्योंकि इसका अटा के क्या लिखना है, एल बी साइन थीटा ये लिखना है। तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो मेरे हिसाब से। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक गलती हो गई थी कि वीडियो पॉज हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था और मैंने इतना पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये लिखा हुआ है, खाली आप इधर से पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट, कि हमें पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी इसमें, कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर ड्यू टू पैरेलल पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, इसको हम लोग एफ इज इक्वल टू बी आई एल वी बोल देंगे। फोर्स की, फोर्स को क्या बोलते हैं, आई इंटू एल क्रॉस बी। नाउ अभी अगर हमें फोर्स ऑन सेकेंड निकालना है ड्यू टू वन, फोर्स ऑन इसको पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन ऐसा पढ़ेंगे। तो इसके वजह से ये खुद के, इधर यहाँ क्या लिखा है, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नो फोर्स लगाएगा ऑन इटसेल्फ, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नो फोर्स ऑन इटसेल्फ, खुद के ऊपर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद के ऊपर ही फोर्स नहीं लगाएगा, किसके वजह से लगाएगा, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि इन्फानाइट है, इन्फानाइट है, तो हम लोगों ने इन्फानाइट वाला का फॉर्मूला पढ़ा है, ये यहाँ पे दिया है मैग्नेटिक की करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इन्फानाइट लेंथ क्या प्रोड्यूस करता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दोनों ही साइन 90 है फॉर इन्फानाइट, तो हो गया ये, तो 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन, ये वाला वायर ऑन दिस वायर, इसके ऊपर प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, बी आई एल। तो मैंने ये बोला कि खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फोर्स नहीं लगाएगा, तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, खुद का करंट, खुद का लेंथ, ये हो जाएगा। और क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो लेंथ का कुछ मतलब नहीं होता, तो हम लोग लेंथ को नीचे ले लेते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं हमेशा। तो इसमें क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आई वन बाय 4 पाई, सॉरी 4 पाई आ गया सब जगह, क्या 2 पाई आएगा, क्यों 2 पाई, क्योंकि ये डिस्टेंस दिया है डी और क्योंकि ये इन्फानाइट है तो 2 पाई आ जाएगा। इधर 2 पाई लिखा, इधर 4 पाई लिख दिया मैंने, क्योंकि ये फॉर्मूला ही 4 पाई का है, बट ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से ये 4 कैंसिल 2 हो जाएगा ऐसा। तो म्यू नॉट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये करंट किसका आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये 1 वाला कर रहा है तो 1 का करंट, और ये I2 तो मल्टीप्लाई था इधर, L को नीचे ले लिया है सिर्फ, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया म्यू नॉट आई वन आई टू बाई 2 पाई ए, ये आ गया फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में आप देख रहे हो कि मैंने फील्ड का डायरेक्शन भी यहाँ पे निकाला है, फील्ड का डायरेक्शन क्या बोलता है कि इसके वजह से, फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ, अगर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है और लेंथ इधर है, लेंथ इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो एल क्रॉस बी करोगे, एल क्रॉस बी करोगे तो आपको इस साइड आएगा फोर्स। अगर इसके तरफ देखे, इसके ऊपर लग रहा है एल, इधर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इधर, एल क्रॉस बी करोगे आपको इधर मिलेगा, तो एक दूसरे को इन दो खींच रहे, तो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव फोर्स, एंड अट्रैक्टिव फोर्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन करंट आर इन सेम डायरेक्शन। और ये भी याद रखना, खुद के वजह से मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स अपने ऊपर फील्ड नहीं लगाएगा, अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा वो फील्ड। अभी सेकंड केस इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, जो कि है रिपल्सिव फोर्स का, और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा, जो कि मैंने करंट का डायरेक्शन निकाला राइट हैंड थंब रूल से, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, फोर्स इधर आएगा, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, फोर्स इधर आएगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। सेम इसका डेरिवेशन, इसका ही जैसा है,
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन, करंट ऑफ टू, लेंथ ऑफ टू, लेंथ को नीचे ले लिया, पर यूनिट लेंथ लेके आ गए हम लोग, फोर्स पर यूनिट लेंथ लेके आ गए। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अभी और एक चीज, इतना मैंने पढ़ा लिया था इसके बीच में, उसके बाद मुझे क्लिक हुआ कि अरे वीडियो पॉज ऑन ही नहीं किया मैंने। इक्विलिब्रियम ऑफ वायर, अगर आपको जादू करना है तो जादू करने के लिए आप क्या करोगे, एक वायर को नीचे फिक्स कर दोगे ग्राउंड से, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस है ये, फर्स्ट केस में आप ग्राउंड से फिक्स कर दोगे वायर को। फिक्स करने के बाद आपको इसको हवा में लटकाना है। हवा में लटकाने के लिए आपको ये नीचे तो mg लगेगा हमेशा, तो mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वायर एक दूसरे के ऊपर ऐसा फोर्स कब लगाते, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि रिपल्सिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स होगा तभी जाके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये एफ ये mg को बैलेंस कर देगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब फोर्स जीरो हो जाएगा। बाद में देखेंगे स्टेबल या अनस्टेबल है। तो ये h हाइट पे जाके बैलेंस हो गया। तो हम लोग ने इसका निकाल दिया फॉर्मूला कि फोर्स मैग्नेटिक शुड बी इक्वल टू वेट एंड दिस शुड बी इक्वल टू mg, बराबर, वेट शुड बी इक्वल टू mg। नाउ दिस इज, हम लोग ने ऊपर जो पढ़ा था वही है, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई एच, खाली एच ये डिस्टेंस है, इक्वल टू लैम्डा जी। लैम्डा जी क्या है, इसका वेट है, इट इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ जो कि आपको दिया रहेगा, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू जी एमएल बाय जी, ये लिख सकते हो आप। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आप इसे अगर डिस्प्लेस करोगे वापस इधर आ जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का ये है, ये याद रखना। नेक्स्ट केस हो जाए सेकंड केस, कि आपने अपर वायर को फिक्स कर दिया ऊपर, नीचे वायर को करना है, नीचे वायर को करने के लिए इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो mg नीचे लग रहा है, आप अगर इधर भी ऐसे ही बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो गिर जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा, बट अंदर की तरफ हमें फोर्स चाहिए mg बैलेंस करने के लिए। तो mg इक्वल टू एफ इक्वल टू mg होगा, तभी तो रिपल्सिव फोर्स, ये mg बैलेंस होगा, ये हवा में लटकाएगा, डिस्टेंस d है, सेम इसका भी वही है, खाली इतना याद रखना इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो हमें करंट की डायरेक्शन सेम दौड़ानी पड़ेगी, इसमें इस डायरेक्शन में जाता है इसमें इसमें, और अगर इसमें इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें इस डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स मिलेगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किसे फिक्स करना है, कैसे फिक्स करना है। तो हमें ये देखना है कि हमें इसको बैलेंस करने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, इधर अट्रैक्ट करना पड़ेगा, इधर रिपेल करना पड़ेगा। तो रिपल करने के लिए हमें पता है, ऊपर पढ़ा है हम लोग ने कि क्या पढ़ा, कि अट्रैक्टिव फोर्स कब आता है, जब भी करंट इन सेम डायरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स कब आता है, जब भी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो उसी का एप्लीकेशन में है ये, और उसी के एप्लीकेशन से ही ये आ जाएगा कि यहाँ पे ऐसा होता है। तो ये भी सेम डेरिवेटिव है, म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी लैम्डा जी और एम एल बाई जी, ये हो गया। तो इतना सा बीच में स्किप हो गया था, ये ध्यान में रखना कि फोर्स ऑन करंट कैरी कंडक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे का सवाल पूछे।